कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और देश के राज परिवारों के बीच शुरू हुए रण की करते हैं। कल दरअसल राहुल गांधी ने अखबार में एक लेख लिखा था। लेख में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र करते हुए तत्कालीन राज परिवारों को रिश्वत देने की बात लिखी थी। राहुल ने लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजघरानों को रिश्वत देकर और धमकाकर भारत पर शासन किया था। अब राहुल गांधी के लेख के खिलाफ राज परिवारों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम और राज परिवार की सदस्य दिया कुमारी ने राहुल गांधी के लेख की निंदा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राज परिवार की छवि धूमिल करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास की सही जानकारी लेनी चाहिए। तो राहुल गांधी के लेख पर अब नाराजगी जताई जा रही है कुछ राज परिवारों की तरफ से। दिया कुमारी कह रही है कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए, राहुल राज परिवार की छवि धूमिल करना चाहते हैं। दिया कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी ओछी टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी के लेख से राजघरानों में नाराजगी है। राहुल गांधी के लेख में उन्होंने कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूं। उन्होंने जिस तरह से राज परिवारों को जिस तरह से कहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और बहुत ही उल्टा सीधा कहा है, उनको क्या है कि हिस्ट्री की जानकारी नहीं लगती। और जिस तरह से राज पर उनको जानकारी लेनी चाहिए, वो एक पार्लियामेंटेरियन है, इस तरह की बात कहने से पहले उनको पूरे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। मुझे लगता है राहुल गांधी को या तो जानकारी नहीं है, या वो जानबूझकर छवि धूमिल करना चाहते हैं राज परिवारों की, समाज को बांटना चाहते हैं, जो कि हमेशा उनकी आदत रही है। वो और उनकी पार्टी हमेशा ही समाजों को बांटना, जातियों को बांटना, यही करते आए हैं, और उसी का उदाहरण ये भी है। तो राज परिवारों की छवि धूमिल करना चाहते हैं राहुल गांधी, ये गंभीर आरोप दिया कुमारी की तरफ से लगाया गया है। राहुल गांधी ने जो लेख लिखा था और जिसमें राजघरानों का जिक्र जो उन्होंने किया था, जिस संदर्भ में, उसको लेकर नाराजगी नजर आ रही है राजघराने से जुड़े नेताओं में। दिया कुमारी का बयान हमने आपको दिखाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।